हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम वीरेंद्र माचिया। आज हम पढ़ेंगे, कुछ समझेंगे ड्रिल के बारे में। तो ये जो आपके सामने है, ये है ट्विस्ट ड्रिल। इसका स्पेसिफिकेशन हम पूरा आज जानेंगे कि क्या होता है ड्रिल और इसके यूजेस, इसकी डायमेंशंस, इसके पार्ट्स के नाम और इसके फेल्यूअर्स, सब कुछ जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले इसके साइज़ से। तो देखिए, इसके साइज़ में जो ट्विस्टेड वाला भाग है, इसे बॉडी कहा जाता है ना, और जो इसके ऊपर वाला भाग है, इसे शैंक कहा जाता है। शैंक जो होता है, उस पर ड्रिल की स्पेसिफिकेशन लिखी होती है। स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि ये किस डायमीटर का होल करेगा, पहली बात, और दूसरी बात, ये किस मेटल का बना हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि ये जो है, इसमें दिखाएगा 10 मिलीमीटर का इसका डाया है, ये दिखा रहा है। ये देखिए, ये दिख रहा है चमकता हुआ 10, 1 और ये 0। और ये जो है हाई स्पीड स्टील, ऐसा खुरेद के लिखा हुआ है, HSS जैसे कहते हैं, इस मेटल का बना हुआ है। ये ट्विस्ट ड्रिल है, क्योंकि ये ट्विस्टेड है, इसलिए इसे ट्विस्ट ड्रिल बोला जाता है ना। तो ये हो गया इसका शैंक, स्ट्रेट शैंक है। अब बात करते हैं इसकी फ्लूट्स की। तो ये जो फ्लूट हैं, ये अंदर जो हेलिकल पाथ बना हुआ होता है, जिसके ज़रिए आपका जो चिप फॉर्मेशन है, वो यहाँ से निकल के ऊपर की तरफ बाहर निकल जाता है ना। क्या है कि मैं ऊपर से बताना इसलिए चाह रहा था आपको, वैसे तो वीडियो नीचे ये ड्रिल के बॉटम पार्ट से स्टार्ट करनी थी, क्योंकि ऊपर से ही पहले, सबसे पहले इंसान फिट करता है ड्रिल को, इसलिए जानना ज़रूरी है कि शैंक जो है वो देख के फिट की जाए कि टेपर शैंक ड्रिल है या पैरेलल शैंक ड्रिल है ना। तो ये पैरेलल शैंक है और ट्विस्ट ड्रिल है। तो बात करते हैं हम फ्लूट की। तो फ्लूट जो होती है, वो आपकी कटिंग एजेस और चिप्स को बाहर निकालने का काम करती है ना। और इसकी जो फ्लूट है, उसमें भी थोड़ी सी कटिंग एज धार बनी हुई होती है, जिसके कारण आपका जो ड्रिल का होल हो रहा है, वो थोड़ा क्लीन होता जाए। अब बात करते हैं कटिंग एज की। जो कटिंग एज है आपका, ये है आपका कटिंग एज, ये देख पा रहे हैं आप, कटिंग एज है ये एक तरफ का और ये दूसरी तरफ का। ड्रिल जो होती है, वो इस प्रकार घूमती है, मैं आपको बॉटम व्यू दिखा रहा हूँ, इस प्रकार ड्रिल घूमती है। तो जब ये घूमती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऊपर से देखोगे तो क्लॉकवाइज दिखेगी, नीचे से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। इस प्रकार जब ये ड्रिल घूमती है, तो नीचे कटिंग एज, ये कटिंग एज मेटल को छीलते हुए ऊपर इस फ्लूट में, ये इस फ्लूट में ट्रांसफ़र करती आती है, और ये फ्लूट के ज़रिए ऊपर आते 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 ये बाहर निकल जाती है। इसमें कूलेंट भी चलाया जाता है, ताकि हमारी ड्रिल बिट की जो लाइफ है वो बनी रहे और कटिंग एज को कम से कम नुकसान हो। इस ड्रिल बिट से आप जनरली माइल्ड स्टील में, वुड में और एल्यूमिनियम में और सॉफ्ट मेटल्स में होल कर सकते हैं। कास्ट आयरन में भी इसे होल कर सकते हैं, है ना। बट इससे आप फोर्ज स्टील, हाई कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, उनमें छेद नहीं कर सकते, और छेद कर भी रहे हैं तो वो धातुएं पतली होनी चाहिए, है ना, मतलब लेस देन 3 mm या 3 mm तक की होनी चाहिए, तब ये सस्टेनेबल होगी होल करने के लिए। नहीं तो इट कैन हार्म इट्सेल्फ, ये जो है खुद को ही नुकसान पहुंचा लेगी, क्योंकि हाई स्पीड स्टील है, कार्बन कंटेंट्स इसमें लिमिटेड मिलाए गए हैं, है ना। तो आप इसे सॉफ्ट मेटल में और वुड में होल कर सकते हैं, है ना। ध्यान रहे, ये जो ड्रिल है, ये वुड में छेद कर सकती है, पर ये वॉल में होल नहीं कर सकती है, क्योंकि वॉल की ड्रिल जो होती है वो अलग आती है, उसका मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है। तो इसमें ये हो गई फ्लूट, है ना, ये हो गया शैंक, ये हो गई बॉडी इसकी, ये हो गया कटिंग एज। कटिंग एज का पॉइंट एंगल जो होता है, 108 से 118 डिग्री के बीच में वेरी करता है, डिपेंड करता है कि ड्रिल जो है वो किस मेटल में यूज़ हो रहा है, सॉफ्ट मेटल में या स्ट्रॉन्ग मेटल में। तो बात करते हैं हम इसके मटेरियल की। हाई स्पीड स्टील जो होता है, वो यहाँ लिखा हुआ होता है बकायदा, और इसके डायमीटर लिखा हुआ होता है। जो डायमीटर लिखा हुआ होता है, उससे ये लगभग 0.1 या 0.2 मिलीमीटर ज़्यादा ही होल करती है। इसके बाद हम रीमिंग से होल को क्लीन कर देते हैं। तो ये था आपका ड्रिल का स्पेसिफिकेशन। एक बात और बताना चाहूँगा कि कुछ ड्रिल में यहाँ पे नेक बनी हुई आती है, इसमें नहीं है, क्योंकि नेक जो होती है वो आपकी ड्रिल को कमज़ोर करती है, वीक बनाती है। यहाँ पे एक खांचा कटा रहता है गोलाकार, वो ड्रिल को वीक करता है, ठीक है।
इसीलिए हम जो है उस टाइप की ड्रिल नहीं लाते हैं। ये बहुत सी इंडियन कंपनी भी ये ड्रिल बनाती है, जैसे JK हुआ है ना, और के और भी दूसरी टाइप की कंपनीज मुझे पता नहीं है, टापरिया हुआ है ना, JK टापरिया, टापरिया की ड्रिल अच्छी होती है। मिंडा भी ड्रिल बनाती है ना, और भी ऐसी बहुत सी लोकल और बाहर की कंपनियां हैं जो ड्रिल बनाती हैं। अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल की और फेलियर की। तो भैया इसे लगाया जाता है कुछ इस प्रकार से, ड्रिल चक में। चक जो होता है वो 3-jaw चक होता है ना, जिससे कि सेल्फ सेंटर हो सके, अलाइन हो सके अच्छे से। और अगर आपने इसे सही से टाइट नहीं किए तो ये जो होता है, ये जब जॉब आप नीचे लगाते हैं इसके और आप इसे फीड देते हैं नीचे की तरफ ऐसे, तो आपने अगर ज़ोर से ज़्यादा फीड दी तो ये जॉब में फंसने लगेगा ऐसा, और ऐसा अटक अटक के चलने लगेगा, और ऊपर जो चक घूम रहा है उसमें आपका रोटेशन ज़्यादा हो जाएगा और इसमें रोटेशन कम होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी ड्रिल में यहाँ स्लिप के निशान पड़ जाएंगे और ड्रिल यहाँ से हीट होने लगेगी, और यहाँ से तो हीट हो ही रही है वो। तो ये होता है आपका ज़्यादा फीड देने का नतीजा। मैं अभी दिखाऊंगा आपको ड्रिल मशीन पे कि क्या प्रॉब्लम आती है ना। तो ये था आपका ड्रिल मशीन का स्पेसिफिक, ड्रिल मशीन की ड्रिल बिट का स्पेसिफिकेशन है ना। तो उम्मीद करता हूँ इतनी जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अब आइए देखते हैं हम, ये देखिए ये ड्रिल बिट लगी हुई है। मैं इसे आपको ओपन करके दिखाता हूँ क्योंकि इसमें निशान बने हुए हैं। ये देखिए ये जो निशान बने हैं ये फेल्यूर के बन गए हैं, ये घिस घिस के। हमने इसमें दोबारा वर्टिकल निशान बना बना के इसको ग्रिप किया है, ये वर्टिकल निशान ग्राइंडर से बनाया हमने ताकि ये स्लिप ना हो। ये पूरी चिकनी हो गई थी और गोल गोल निशान बन गए थे, कुछ इस प्रकार के गोल निशान बन गए थे, देख सकते हैं आप ये गोल गोल। क्या होता है कि ड्रिल बिट के बीच में और ये चक के बीच में, ये चक दिया है 3-jaw चक है ना, ये चक के बीच में रिलेटिव मोशन होने लगता है। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है ये फंस जाएगी नीचे जॉब में और धीरे धीरे घूमेगी, और ये चक जो है ये तो घूमता ही रहेगा अपने आप, क्योंकि मशीन से कनेक्ट है, ये घूमता रहेगा और ड्रिल की बिट उतनी स्पीड से नहीं घूम पाएगी, इसे कहते हैं रिलेटिव मोशन। तो वो जो होता है वो ड्रिल की बिट को नुकसान पहुँचाता है। तो ध्यान रहे कि जब भी आप ड्रिल करें तो ये जो फीड आप छेद करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं धीरे धीरे लगाएं, अचानक से ज़ोर से ना लगाएं है ना, इससे आपकी ड्रिल बिट को नुकसान हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही है ना, नेक्स्ट वीडियो में बाकी बात करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।